अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 4 है डिजिटल मार्केटिंग का, और आज हम सीखेंगे हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज किस तरीके से करेंगे, या फिर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है अपनी वेबसाइट लेके और उसकी रैंकिंग हमें पहले एसईओ करने से पहले हमें जाननी है कि उसकी रैंकिंग क्या है, और उसे भी बताना है कि उसकी रैंकिंग क्या है गूगल के सर्च इंजन में। तो सबसे पहले हमें उसकी वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज का मतलब होता है जांचना या परखना, ठीक है जी। सो हम सबसे पहले एनालाइज करने के लिए, लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बताए थे कि कीवर्ड किस तरीके से रिसर्च करेंगे और उसकी जो सीपीसी है, वॉल्यूम है, वो कैसे देखेंगे, इसी तरीके से आज हम वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। अगर आपने कीवर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो में इंशाल्लाह, और आप जो है उसे देख सकते हैं। और देख के, और अगर आपने पिछली भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके डिजिटल मार्केटिंग का जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक जो भी है वीडियोस वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज किस तरीके से करेंगे। आपने क्या करना है, आपने नील पटेल सर्च करना है। लास्ट टाइम हमने जिस तरीके से सर्च किया था, देखिए टूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन काफी सारे पेड टूल्स होते हैं और काफी सारे अनपेड तो नहीं होते, लाइक उसके ऊपर ट्रायल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ट्रायल है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने किसी भी अपनी वेबसाइट को पुट करना है। हम यहाँ से कोई सी भी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मैं एक रेडिट, लास्ट टाइम हमने जो सर्च की थी वीडियो, रेडिट, ठीक है जी। जस्ट इसका जो URL है हम उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट आपने पेस्ट करना है और यहाँ से आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास सामने रिजल्ट आपके आ जाएगा, ठीक है जी। और वो रिजल्ट आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, लाइक वो कितनी रैंकिंग पे जा रही है गूगल पे और कहाँ पहुंची है अभी तक, और उसकी जो ट्रैफिक है डेली ट्रैफिक वो कितनी है, उसके बैकलिंक्स कितने हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन हो जाएगी। और फर्दर अगर आपको देखना है तो फिर आपको एक टूल परचेज करना पड़ेगा एसईओ का, जिसके अंदर आप जो है रैंकिंग देख सकते हैं। इतने में ये लोडिंग हो रही है, आप वेबसाइट अपना वीडियो को लाइक कर दें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि सारी वीडियो की अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। सो गाइस, ये हमारे पास सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हमारे क्या लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक जो कि हमारी इस वेबसाइट पे आई हुई है, डोमेन अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि गूगल सर्च इंजन में वैल्यू रखती है, ठीक है जी। सो 91% अगर आपकी वेबसाइट की या फिर आपके क्लाइंट की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, जिसको कहते हैं हम DA, अगर DA आपकी 50 से ऊपर है तो मींस ठीक है, ओके है, ठीक है। अगर 50 के अंदर है तो फिर नहीं, ओके नहीं है, और अगर 70 से अपर है तो गुड है, और अगर 91 है तो अमेजिंग है, ठीक है जी। उसके बाद इस पे जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ नो फॉलो है, कुछ डू फॉलो है। जो नो फॉलो की जो है यहाँ पर 1.0 बिलियन नो फॉलोज के ऊपर जो है लिंक्स है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, आने वाली वीडियोज में लेके आऊंगी, और आपको बताऊंगी भी कि किस वेबसाइट को कैसे चेक करेंगे कि डू फॉलो कैसे और नो फॉलो कैसे, ठीक है जी। अभी के लिए इतना ही, ये आपको बता दिया गया है कि आपने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से एनालाइज करना है और किस तरीके से उसकी ट्रैफिक और उसकी बैकलिंक्स चेक करने हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।